नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना काल और किसान आंदोलन के बीच गठबंधन सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री टैब के जरिए 2021-22 का बजट सामने रखा। मुख्यमंत्री ने गणपति वंदना से जहां बजट की शुरुआत की, तो फिर वहीं इस बजट को आजादी के 75वें साल को समर्पित किया। 2 घंटे 34 मिनट के स्पीच में सीएम ने 1,55,000 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया, जो कि पिछली बार से 13% ज्यादा है। खास बात इस बजट की यह है कि इसका 25% पूंजीगत खर्च और 75% राजस्व का खर्च है। फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो पिछले 11.36% पिछले साल से ज्यादा है। अब पिछले 35,066 करोड़ स्टेट डेवलपमेंट गोल से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए, तो वहीं 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83% अनुमानित किया गया। सीएम ने अपनी बजट स्पीच में रामचरितमानस का जिक्र करते हुए कहा कि हम जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि राज्य के संसाधनों से कर की व्यवस्था होगी। बजट स्पीच पूरी होने के बाद सदन में ही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर बजट को सत्ता पक्ष बेहतरीन और प्रदेश के विकास का कदम बता रहा है, तो विपक्ष इसे जुमलों की घोषणा करार देता हुआ आज फिर से नजर आया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए एक बार समझा देते हैं कि इस बजट के अंदर किस वर्ग के लिए इस बार क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 1,55,645 करोड़ का ये पूरा बजट है, इसको आप जान लीजिए। इसमें किस वर्ग के लिए कितना है ये भी हम आपको बताते हैं। 13% अगर हम पिछले बार से तुलना करें तो ये ज्यादा है। 1,37,738 करोड़ का बजट 2020-21 का था। बजट परिव्यय में 38,718 करोड़ का व्यय होगा। राजस्व खर्च के लिए 1,16,927 करोड़ का व्यय होगा। इसी तरह से कृषि और किसान की अगर हम बात करें तो 6,110 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि और किसान के लिए किया गया। कृषि कल्याण के लिए इसमें 2,998 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बागवानी के लिए 498 करोड़ की व्यवस्था है, यानी कि कृषि के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो फोकस है वो कैसे किया गया है। पशुपालन डेयरी 1,225 करोड़ रुपए इसका प्रावधान है। ऐसे ही मत्स्य विभाग का बात अगर हम करें तो 125 करोड़ का प्रावधान मत्स्य विभाग के लिए है। सहकारिता विभाग के लिए 1,274 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस बजट के अंदर किया गया है। और इसी तरह से तमाम जो विभाग हैं उनको अलग अलग प्रावधान के तहत जो फंड के एलोकेशन है वो हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4,606 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए 2,136 करोड़ का प्रावधान है। आयुष विभाग के लिए 315 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए 238 करोड़ का प्रावधान हुआ है। बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा हुई है, 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। 2,500 रुपये का बुजुर्ग पेंशन अब होगा। इसमें विधवा, लाडली, दिव्यांग, निराश्रित इन सबको 2,500 रुपये मिलेंगे। बेसहारा बच्चों को 1,350 रुपये मासिक मिलेगा। 18,410 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया है। 17.8% अगर हम पिछले बजट से तुलना करें तो शिक्षा में भी बढ़ा है। प्राथमिक शिक्षा पे 9,014 करोड़ रुपए के प्रावधान को इस बजट के अंदर किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 5,899 करोड़ का प्रावधान है। और ऐसे ही उच्चतर शिक्षा के लिए 2,793 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। तकनीकी शिक्षा पर भी 705 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार इस बजट में किया गया है। तो ये तो थी बजट की बड़ी बातें, किसको कितना फंड एलोकेट किया गया है। लेकिन इस बजट के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बजट पेश करने के बाद सदन के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की बारीकियों के बारे में भी बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं। बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी, उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो 3% की पहले सीमा रखी होती है, बीच में कभी कभी ज़्यादा भी जाता रहा होगा, लेकिन हमने उस फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ने नहीं दिया है। बावजूद इसके कि हमारे रेवेन्यू भी
कुछ ना कुछ कम हुए हैं, फिर भी इतने कम नहीं हुए जितने शुरू में एक अपेक्षा की जा रही थी कि 17,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें लगभग 10-11 हज़ार करोड़ रुपया रिकवर भी हो गया है। मतलब मार्च मिला करके 11,000 करोड़ कवर हो जाएगा, तो 5-1,000 करोड़ रुपया उसका लॉस रहेगा। लेकिन कुछ खर्चे भी हमारे कम हुए और कुछ हमने सारी चीज़ों को सुधारा है, जिसमें से 8,585 करोड़ जो हमको एक्स्ट्रा लोन लेने की एक सहूलत थी, जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था, उसमें से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने बजट की प्रावधान शुरू में कर दिए जाते थे, बाद में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसको अगले रिवाइज्ड बजट में ही, एस्टीमेट्स में ही लाया जाता था। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये इस अकाउंट के माध्यम से हो गया 8,500 करोड़ का, कि हम कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी भी विभाग का बिना, मैं जहाँ तक समझाऊँ आप बता देना सेक्रेटरी साहब, बिना रिवाइज्ड एस्टीमेट में जाने के 8,500 करोड़ का एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, और इस 8,500 करोड़ के कोई भी चीज़ बिना रिवाइज बजट के जाने के उसको सरकार द्वारा कराया जा सकता है और बाद में पोस्ट फैक्टो उसको विधानसभा में लाया जाए। तो बजट की बारीकियां तो मुख्यमंत्री समझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को मनोहर सरकार का यह बजट रास नहीं आया है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट को निराशाजनक करार दिया है, सुनिए। वित्त मंत्री जी ने ये बहुत लंबा उनका भाषण था, अति लंबा था, 2.5 घंटे। खैर, मैं तो 9वीं मेरी टर्म है, लोकसभा में भी यहाँ भी, उनको भी कहा था मैंने, अभी उनको इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा, बोल सकते उस बात के लिए हार्दिक बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं देखी, लेकिन चलो वो एक अलग बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था, आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खासकर जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, जो कोरोना वॉरियर थे, जो वायदा किया था भाई हम डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बजट का निष्कर्ष ये है। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पढ़ा गया, बजट की तरह नहीं, इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, एक विजन कोई नहीं, नो कोई विजन नहीं है, सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स फिगर्स से लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो विपक्ष अमूमन बजट को इसी प्रकार से निराशाजनक करार देता है और हर बार ऐसी ही प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो बात विजन की कही गई है उसके मायने क्या हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं। पहला सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो विपक्ष को आखिर पसंद क्यों नहीं आया है, इसके बड़े कारण क्या रहे हैं। दूसरा सवाल आज का यह है कि शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम, इसके मायने क्या हैं, क्योंकि बजट भाषण के दौरान ये बातें कही गई हैं। तीसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि बजट की घोषणा से किसान कितना खुशहाल होगा, क्योंकि जो फंड एलोकेशंस हैं वो हम लोग कृषि क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और चौथा और अंतिम सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर से क्या बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि इस पर भी इस बजट के अंदर फोकस किया गया है। तो यही महत्वपूर्ण सवाल है और बजट का भी हम लोग आज विश्लेषण करेंगे और जानने और समझने की कोशिश ये होगी कि आखिर इतना लंबा चौड़ा बजट विपक्ष को रास क्यों नहीं आया, जिसको विजन वाला बजट सत्ता पक्ष बता रहा है उसके अंदर कोई विजन विपक्ष को नजर क्यों नहीं आया, और इसके अलावा इस बजट की क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या फायदे होंगे और आने वाले समय में हरियाणा वासियों को यह राहत कैसे प्रदान करेगा, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज
लगभग ढाई घंटे के आसपास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश की, हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई। और यही एक बड़ी वजह रही कि हर एक वर्ग को लेकर के यहाँ पर जो फंड के एलोकेशंस हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि इसको लेकर के जो सवाल हैं वो भी उठने शुरू हो गए हैं और विपक्ष ने इसको लेकर के सवाल उठाए भी हैं, जिसमें भी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि इस बजट के अंदर कोई विजन नजर नहीं आता है। और बड़ी बात तो उन्होंने ये भी कही कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी बहुत स्वागत आपका चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। महिमा जी आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमनदीप जी आपका भी बहुत स्वागत, प्रवक्ता हैं नेलो के। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमित नेहरा जी आपका भी स्वागत। और संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी मैं आपसे ही करता हूं, बजट आज आप लोगों ने पेश किया लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मुझे हैरानी होती है, जो व्यक्ति 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और वो सरकार के द्वारा पेश किए बजट पे 3 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सके। आप चाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलवा के देख लीजिए। आयुष आप कुछ कह रहे हैं? जी जी प्रवीण जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव भी देखी है, आप सही कह रहे हैं। जी जी 3 मिनट से ज्यादा वो बजट के ऊपर बोल नहीं सके हुड्डा साहब। और मैं हैरान तो और हो गया कि हुड्डा साहब को ढूंढने से भी बजट में आलोचना नहीं मिल रही थी। तीन व्यक्ति बैठे थे, कादियान साहब बैठे थे, हुड्डा साहब बैठे थे, जगबीर मलिक बैठे थे, और मैं देख रहा था खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जी जी तीनों लोग मिलके बजट में कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, अंत में एक झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि देखिए कृषि क्षेत्र, कृषि एग्रीकल्चर एंड अलाइड के ऊपर सरकार ने मात्र 6,000 करोड़ का आवंटन किया। ये झूठ बोला अंत में उन्होंने। और हुड्डा साहब अगर सुन रहे हो, मैं उनको खास तौर पे कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब 10 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जनता उससे झूठ की उम्मीद नहीं करती। इस बजट में एग्रीकल्चर एंड अलाइड के ऊपर 11,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन है। हुड्डा साहब बजट की कॉपी निकलवा के देख लीजिए, केवल कृषि के ऊपर ही 6,110 करोड़ का आवंटन है, केवल कृषि पे। आपने अलाइड सर्विस का नाम लिया तो सिंचाई पे 5,180 करोड़ का आवंटन है। हुड्डा साहब एक बार चेक तो कर लीजिए, आप आलोचना करने चले हैं, आलोचना तथ्यात्मक तो कर दीजिए, कोई कमी तो बताइए बजट में। देखिए आयुष क्या है, मनोहर जी के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है ये बजट। हुड्डा साहब कह रहे थे साहब कोई विजन नहीं है, पूरा साहब भूल जाते हैं सरकार ने विधानसभा में विजन 2030 विजन 2030 बाकायदा बताया था पूरे प्रदेश की जनता को। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, ये विजन है सरकार का। अगर इस बजट को हुड्डा साहब ध्यान से पढ़ लेते तो हुड्डा साहब, चलिए प्रवीण जी मुझे लगता है चलिए हुड्डा साहब ने नहीं पढ़ा होगा, मैं चाह रहा हूं कि आज थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट मुझे 3-4 बड़ी बातें बता दीजिए बजट को, मैं चर्चा में थोड़ा आगे बढ़ता हूं क्योंकि फिर पूरे बजट की चर्चा करेंगे इतना समय हो नहीं पाएगा। प्रवीण जी बहुत 3-4 बातें जो इस बजट का आपको लग रहा है कि सोल है और विपक्ष को ये नजर क्यों नहीं आया। प्रवीण जी देखिए मैं वही बता रहा हूं, ये वो बजट है जिस बजट में पहली बार सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना की बात की गई है जो इससे पहले किसी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में नहीं की। विशेष तौर पे मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बजट हरियाणा का पेश हुआ। जी जी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना इस बजट के अंदर मनोहर जी ने घोषित की और इस योजना के लिए 10,798 करोड़ रुपए का आवंटन किया। जी क्या मुख्यमंत्री जी का विजन है, तो जो परिवार बिल्कुल आखिरी पायदान पे है उनको आर्थिक दृष्टि से उनकी तरक्की हो, जो 1,80,000 रुपए सालाना आमदन बीपीएल परिवारों का पैमाना है, उन परिवारों को उस पैमाने से ऊपर लाया जाए, वार्षिक 1,00,000 परिवार उस पैमाने पर ऊपर आए, ये विजन है। शायद ये नजर नहीं आया कांग्रेसी मित्रों। दूसरी बात स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए कोरोना काल के अंदर किस तरह की विकट परिस्थितियां बनी थी आयुष हम सबने देखी। जिस वक्त कोरोना महामारी फैली हालात ये थे कि जो टेस्टिंग के लिए सैंपल बाकायदा पूना भेजने पड़ते थे, हरियाणा के अंदर उस वक्त के जो लैब थी वहां पे कोरोना टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन किसी सरकार ने मनोहर जी ने अपने प्रबंधन से यहाँ पे टेस्टिंग लैब बनाई, बाकायदा 35,000 सैंपलों का टेस्ट हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन हुआ,
बाकायदा आईसीयू, बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं मिलिया करें। आपको भी याद होगा उस वक्त जब हम चर्चा किया करते थे, मैं विपक्षी मित्रों से हर बार एक सवाल पूछता था कि एक एग्जांपल बता दीजिए कि हरियाणा में किसी कोरोना पेशेंट को इलाज ना मिला हो। कोई मुझे उस वक्त कोई एग्जांपल नहीं बता पाया। लेकिन इस बजट में मनोहर जी ने जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले के मुकाबले 17.5% ज्यादा राशि का आवंटन किया, और बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो 100 बेड के हॉस्पिटल है उनको 200 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर चाहे कैथ लैब की बात करें, चाहे सीटी स्कैन की बात करें, एमआरआई की बात करें, चाहे आईसीयू की बात करें, ये सारी सुविधाएं सब डिविजन लेवल पे भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हो, सरकार का विजन ये है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं शिक्षा के अंदर, क्योंकि अगर हम पिछला बजट देखते आए जिससे पहले बजट पेश किया गया था उसमें भी बाकायदा फोकस मनोहर जी का शिक्षा पे था, और इस बजट में भी 18,410 करोड़ रुपया शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कोरोना काल के अंदर जहां आर्थिक परिस्थितियां विकट हो गई थी, मनोहर जी ने अपने वित्तीय परिवर्तन से यह परिस्थिति आज भी मेंटेन रखी के पिछले बजट की तुलना में 13% ज्यादा राशि का बजट आज हरियाणा में पेश हुआ है। 1,55,400 करोड़ के लगभग का ये बजट पेश हुआ है, जबकि हम पिछले साल के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां देख चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी, सरकार की प्राप्तियों के ऊपर असर था, उसके बावजूद मनोहर जी ने इस प्रदेश के आर्थिक जो प्रबंधन है उसको इतने बेहतरीन ढंग से संभाला, ये शायद विपक्षी मित्रों को नजर नहीं आ रहा। अब महिमा जी कल भी मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, हालांकि मैंने कई बड़ी बातें पूछी, प्रवीण जी भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, हम लोग सुबह से सुन रहे हैं। इस बजट के जो तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो सत्ता पक्ष बता रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि निराशाजनक है। क्यों लग रहा है निराशाजनक? कल भी आपसे मैंने यही सवाल पूछा था। निराशाजनक से पहले दिशाहीन और अप्रगतिशील बजट है। आप ये देखिए जितनी बड़ी बड़ी बातें, जितनी ज्यादा जुमलेबाजी, अटक अटक के हिंदी में जो 2.5 घंटे का भाषण मुख्यमंत्री जी ने बिना नजर उठाए बिल्कुल पढ़ पढ़ के दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्ज की मात्रा बढ़ाने की बात है। इस कर्ज को आप ये देखिए, स्टेट का, राज्य सरकार का या किसी भी सरकार का कर्तव्य क्या होता है आयुष जी? कर्तव्य होता है रेवेन्यू जनरेट करना, ना कि कर्ज ले लेके उसे योजनाओं में आवंटित करते रहना और उन योजनाओं का कोई सुध ना लेना कि दरअसल कितना फायदा लोगों को उससे मिला है, दरअसल कितने लोगों तक वो पहुंचाई जा सकी है। ना ही किसी तरह की कोई का कोई प्रावधान दिया व्यवसायों, जो व्यवसाय खत्म हुए इस बीच में उनको बढ़ाने के लिए या उनको रिवाइव करने के लिए, ना ही ऋण मुक्त करने की तरफ कोई कदम उठाने की बात कही कि कैसे हम इस ऋण से डील करने का हमारा हमारी कोई योजना है, क्या प्लान है। आप ये देखिएगा, जो खास बात यहाँ देखने की है आयुष जी, के जो 28.6% के करीब जो है वो जो पूरे बजट का जो हिस्सा है वो जाता है कर्ज वापस करने के लिए। तो हम युवाओं को नौकरी देने की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटीज जनरेट ही नहीं की हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह से राजस्व को बढ़ाने की, किसी भी तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की। हम बात कर रहे हैं ऋण लेते रहने की और वो ऋण ले लेके वो ऋण की मात्रा बढ़ाते जाने की। आज बजट के दौरान ये भी कहा मुख्यमंत्री जी ने कि हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, उन्होंने हमें जो है वो सीमा बढ़ा दी है ऋण की और उस बाबत हम ज्यादा ऋण अब ले सकते हैं। तो ज्यादा ऋण ले लेके ही हम वो देते जाएंगे और सारे जितने भी हमारे निजी क्षेत्र में तो 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, ये बात कही गई इस बजट के ही माध्यम से कही गई। अंडर स्टेट, वो स्टेट क्रिएट कर रही है क्या? स्टेट की ड्यूटी क्या है? डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत सक्षम युवा योजना को भी संशोधित करने की बात है, तो कोशिश तो हो रही है उस दिशा में, प्रयास अब फलीभूत होते हैं कि नहीं होते हैं इसके लिए तो इंतजार करें थोड़ा। लेकिन इस बजट में तो कहा ना इन्होंने कि हम करेंगे, और अभी भी ये लोग अब तो आरक्षण वाली बात भी आ गई है इसमें, तो 50,000 को तो एडजस्ट करेंगे ये कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पिछले 7 साल में कितने युवाओं को नौकरी दी गई है? उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की गई। उज्ज्वला योजना में मैं स्वयं ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर देखती हूँ, महिलाओं से बात करके घरों में सिलेंडर स्टोर के अंदर बंद हो चुके हैं, उनके पास उनको भरवाने के पैसे नहीं है। ये जो सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, लेकिन सिलेंडर पहुंचा तो दिया ना महिमा जी, कम से कम चलिए ये एक्सेप्ट कर लिया आपने, वरना तो आप लोग कहते थे इन्होंने तो दिया भी नहीं। अमनदीप केसरी जी,
महिमा जी देखिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आज मेरे पास समय कम है। देखिए अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, एक रिएक्शन आपका, निराशाजनक है, विजन नहीं है इस बजट के अंदर? जी बिल्कुल आयुष जी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी इन ठल्ली सरकार से, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक नए नाम दे दिया गया कि 75वीं जो हमारी स्वतंत्रता की वर्षगांठ है उसको समर्पित हम करते हैं। और अभी आप मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो इस बजट पर मोहर इस वजह से लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि तथाकथित केंद्रीय सरकार की एजेंसी में दोषित हैं और केंद्र सरकार के पूरी तरह कब्जे में हैं, वो उन्होंने इस पे 3 मिनट से ज्यादा उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, तो इस मुद्दे पर, इस बिना पर भाजपा प्रवक्ता ने इसको प्रगतिशील और बहुत बड़ा बजट बता दिया। आप खुद स्वयं मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बुरे दौर में जब प्रदेश का राजस्व बढ़ा है, जब प्रदेश की जनता ने सरकार का इतना साथ दिया है, मुख्यमंत्री हमारे जब किसानों से 5-5 किलो अनाज मांगने लग गए थे, स्कूली बच्चों से 5-5 रुपए मांगने लग गए थे, उस समय में प्रदेश की जनता ने प्रदेश का राजस्व बढ़ाया है, प्रदेश को इतना कुछ दिया है, और मुख्यमंत्री ने बदले में क्या दिया? ये राम राज्य की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहूंगा कि जो राम राज्य था, जो राम थे, श्री राम थे, वो सूर्यवंशी थे। उन्होंने कहा था कि मेरा राज्य ऐसा होना चाहिए सूरज की तरह, कि हम जब सूरज कैसे लेता है, सूरज ऐसे लेता है जिससे पता भी नहीं चलता, तालाबों जलाशयों से पानी जब खींचता है सूरज तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब देता है तो वर्षा के रूप में इतना हर्ष देता है कि सबको दिखे। तो आपने देखा ये राम राज्य वाला बजट नहीं है, ये रावण राज्य वाला बजट है। जनता ने इतना ज्यादा रेवेन्यू आपको दिया, इतना ज्यादा आपको साथ दिया इस बुरे दौर के अंदर, और आपने क्या दिया? आज सबसे ज्यादा केवल दो अगर हम विषय उठा लें, कृषि और बेरोजगारी, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन है, और हरियाणा के किसानों का क्या हाल है वो आपके सामने है, सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं हरियाणा के, उन दोनों को ही राहत दे देते आज मेरे साथी। तो कृषि में जो 6110 करोड़ का प्रावधान अमनदीप जी किया गया, क्या वो बिल्कुल बेजा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आयुष जी आप 6000 की परसेंटेज तो देखिए, पूरे बजट का 3.5% भी नहीं बनता। और मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कृषि रीढ़ है हमारे प्रदेश की, क्या इतना परसेंट आप देंगे? और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चलो 11000-12000 भी मान लीजिए, तो 7-8% से ज्यादा नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। और उस आदमी की केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शब्दों को संभालो, ये बजट बहुत अच्छा हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी कठपुतली है, सरकार की कठपुतली है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में बात करनी शुरू कर दी मैंने, वाकिफ रखती हूँ जैसे उन्होंने पहले भी किया विश्वास प्रस्ताव लाकर। चलिए ठीक है, क्या इस बिना पर हम, ठीक है चलिए। अमित नेहरा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बजट पर एक रिएक्शन आपका। देखिए बजट एक पारंपरिक बजट है, ये कोई ये नहीं कह सकते कि इनोवेटिव बजट है ये, कुछ इसमें बातें नई भी हैं हालांकि, लेकिन बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बजट नहीं कह सकते हम। जनता को उम्मीद ये थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, क्योंकि स्टेट का जो एक्साइज है वो इस पे कम होने की उम्मीद थी जनता की, लेकिन वो उस पे खरे नहीं उतरे। हाँ मुख्यमंत्री ने एक बात ये कही कि हमने कोई नया बजट नहीं लगाया, नया कर कोई नहीं लगाया इसमें, तो ये नया कर कैसे लगा सकते हैं भाई, जब जीएसटी में आ चुकी हैं चीजें लगभग सारी, तो स्टेट का थोड़ी इस पे इख्तियार है, जो 3-4 चीजें हैं उस पे स्टेट कर सकती है, जिसमें पेट्रोल डीजल है, शराब है और रजिस्ट्री है जो जमीन की खरीद फरोख्त की। अब जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री पे आ जाइए, सरकार ने पिछले दरवाजे से अचानक ये घोषणा कर दी कि 1 मार्च से जितनी भी हरियाणा में म्युनिसिपल लिमिट्स हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उसमें 2% आपकी रजिस्ट्री बढ़ गई है। ये भाई पिछले बजट में तो नहीं घोषणा की थी सरकार ने? भाई अगर पिछले बजट में घोषणा की होती और ये अब लग जाती तो मान लेते भी नया कर नहीं। अगली बार क्या हम उम्मीद करें कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो इस तरह के छुपे हुए लूप होल होते हैं। अब आज ये दो चीजें इसमें क्रांतिकारी बताई गई हैं, एक तो शिक्षा, भाई 12वीं तक शिक्षा मुफ्त देंगे, और दूसरी बात है 50,000 नौकरी मिलेंगी हर साल। अब आज ये सब 12वीं तक शिक्षा, तो कितने व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं आज के दिन हरियाणा में?
बहुत लिमिटेड आदमी है भाई, बाकी जो 12वीं तक जो जाते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। अब 12वीं के बाद कॉलेजेस जो हैं सरकारी वो ठीक हो जाते हैं, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अब आ जाइए नौकरी 50,000, अरे भाई 50,000 नौकरी सरकार देगी या प्राइवेट देगी? अगर प्राइवेट देगी तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? अब चलो ठीक है 50,000 नौकरी सरकार प्राइवेट देंगे, तो प्राइवेट जो है उद्योगों के लिए उन्होंने क्या बढ़िया चीज की है? क्या कोई नया इंडस्ट्रियल सेक्टर लॉन्च किया है? कोई इस तरह की प्लान है? सब्सिडाइज रेट पे सरकार देगी क्या प्लाट उनको? अच्छा हर्डल इतनी है इंडस्ट्रीज के लिए, मैंने पिछली बार जिक्र किया था 5-6 दिन पहले, आपको ध्यान होगा कि सिर्फ फायर की ड्राइंग की मंजूरी लेने के लिए कम से कम 2 महीने इंतजार करना पड़ता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। भाई इस तरह की जो चीजें हैं जब तक दूर नहीं होगी तो कैसे रोजगार बढ़ेंगे यहाँ पे? अब बात आ जाती है कि 50,000 नौकरियां इसलिए होंगी सर्जित क्योंकि हमने 75% यहाँ पे जो लोकल युवाओं को है ना उनको एक रिजर्वेशन दे दी है। भाई आप कैसे कर सकते हो इस तरह के फेडरल जो सिस्टम है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो? एक तरफ तो आप 370 को हटा रहे हो क्योंकि उसमें ये कह रहे हो कि वहां दूसरे स्टेट का व्यक्ति जा नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, नौकरी नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें, और 370 एक है प्रत्यक्ष रूप से आप हरियाणा में लेके आ रहे हो। ये चीजें ठीक नहीं है ना, इंडस्ट्री की सोच होनी चाहिए भाई अच्छे कारीगर। नेहरा जी 10 में से कितने अंक दे रहे हैं इस बजट को? अवसर पैदा कर नेहरा जी 10 में से कितने अंक दे रहे हैं इस बजट को? 10 में से आप 6 के आसपास आप मान लीजिए इसमें, क्योंकि ना तो ये बहुत अच्छा है ना ये बहुत बुरा है। तो इसमें आपने 4 पॉइंट भी पूछे थे आपको ध्यान हो जब शुरू किया था आपने, कि एक तो ये 155 1,55,000 करोड़ का जो बजट है विपक्ष को क्यों निभाया? भाई उसमें सीधी सी बात ये कि विपक्ष तो हमेशा आलोचना करता ही है और उसका धर्म भी है, लेकिन आलोचना जो है वो एक स्वस्थ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आलोचना के लिए आलोचना करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को भी साथ मिलकर सोचना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी मिलकर साथ सोचना चाहिए कि जितना हमारा ये पूरे साल का बजट है उससे ज्यादा हमारे जो स्टेट है उसके ऊपर कर्जा है। भाई मेरे ख्याल से 1,98,700 करोड़ रुपए का कर्जा है, ये 2,00,000 करोड़ हो जाता मोटा मोटा। भाई आपका पूरे साल का बजट ही इतना नहीं है जितना हमारे ऊपर कर्जा है। भाई एक बहुत बड़ी जो राशि है बजट की वो इसका लोन चुकाने में चली जाती है, तो ये एक बोझ है, इसको भी देखना पड़ेगा और दोनों पक्षों को मिलके बात करनी पड़ेगी भाई हम इस कर्जे से मुक्ति कैसे पाए। और अब अगली बात आपने जो पूछी थी इसमें कि जो किसान खुश होगा क्या, तो देखिए किसान का जो मुद्दा है बड़ा संवेदनशील हो चुका है आज के दिन। भाई किसान आज स्टेट के भरोसे नहीं है, किसान आज केंद्र से प्रतीक्षा कर रहा है कि वो हमारे लिए कुछ करें, जो 3 बिल हैं उसको रद्द करें या जो भी करें जो भी कार्रवाई करें, तो स्टेट के बस की बात नहीं है आज के दिन किसान को खुश करना, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान की और यूपी के किसान की बात की जाए। अब आपने ये तीसरा जो सवाल पूछा था प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वाला, भाई बात वही आ जाती घूम फिर के, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे उनको प्लॉट नहीं देंगे, आप यहाँ पे बैठे हैं सरकार अपने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, कितने साल हो गए कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर आए हुए पूरे हरियाणा में और कितने के उसमें नौकरी वो दिए हैं नए प्लॉट? वो जो चल रहे थे जितने भी जो ड्रा हुए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा। ठीक है चलिए 10 में से 6 नंबर दे रहे हैं और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव आपने बताई इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जी बहुत जल्दी से एक रिएक्शन आपका। देखिए आयुष जी मुझे लगता है कि खट्टर साहब इससे अच्छा बजट लेकर आ नहीं सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है चीजों को बैलेंस करने की, जिस तरीके से पहले कोरोना पीरियड था, अभी उन्होंने जिस तरीके से स्पोर्ट्स के लिए भी काम किया है, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की डाइट का भी हिसाब रखा है, जिस तरीके से बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर उन्होंने 9th से 12th तक, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है, जैसे आपने 9th से 12th तक के बच्चों की एजुकेशन को फ्री करने का काम किया, इसके साथ आपको ध्यान देना चाहिए था कि क्या बच्चों के एडमिशन हो पाते हैं, बच्चों के एडमिशन ही नहीं हो पाते हैं, वो कहते हैं सीटें फुल हो गई हैं, तो इस तरीके की जो समस्या है, क्या इतने स्कूल होंगे, क्या आपके स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे कि प्राइवेट में ना जाके आपके स्कूलों में जाने की कोशिश करेंगे बच्चे, तो इस तरीके से आपको और भी चीजों पर ध्यान देना चाहिए था जो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है, जिस तरीके से कोई नए टैक्स ना ला करके, बजट सुनने में बहुत अच्छा लगता है
कि हाँ कुछ किया है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी चीज, हरियाणा में जिस तरीके से किसानों के अंदर रोष था, तो किसानों को खुश करने के लिए आपने क्या किया, ये सब चीजें मैटर करती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसानों की जो नाराजगी थी वो दूर हुई है, या मजदूरों को कुछ उम्मीद जगी है, या व्यापारियों के अंदर कोई जोश है। जोश किसी के अंदर नहीं है इस बजट को लेकर। प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष जी, मैं शुरू करता हूँ कांग्रेस वाली बहन जी से, और वो ये रहा है कि बजट की आलोचना का ढंग क्या है। वो कांग्रेस वाली बहन जी की बात देखिए क्या कहती है। वो कहती है कि साहब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने नजर बिना उठाए पढ़ पढ़ के बजट दिया, ये आलोचना है। मतलब हैरानी होती है, ये किस दल की आलोचना भाई। अगर वो बजट पेश कर रहे हैं और बजट एक डॉक्यूमेंट है, तो स्वाभाविक है उसको पढ़ा ही जाएगा, वो पढ़ के ही बजट बताएंगे। तो ऐसे कौन से वित्त मंत्री थे आपके जो बिना पढ़े बजट बता रहे थे? देश के इतिहास में कभी ऐसा कोई बता दीजिए एग्जाम्पल। तो आलोचना का स्तर ये है। लेकिन अब मैं बात करूंगा, जैसे अभी अमित जी बात कर रहे थे कि साहब कोई नया रोजगार उद्योग, अमित जी मेरे ख्याल दो दिन पहले भी मैं चर्चा में था, कल भी था, मैंने बताया था लिथियम फैक्ट्री के बारे में। मैंने ये भी बताया था खरखोदा में मारुति एक्सटेंशन, हिंडैल्को का मैं जिक्र कर चुका हूं। तो जहां तक आप ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट के अंदर 50,000 की जो रोजगार की बात कही है, नौकरियों की बात कही है, उसमें सरकार का क्या योगदान है? यहां पे आके फिर मुझे ऐसे लगता है कि आप केवल इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आपको आलोचना करनी है। प्रदेश के अंदर उद्योग तब आता है जब प्रदेश सरकार उसको ऐसा वातावरण देती है कि वो यहाँ आके उद्योग लगाए, तभी वो उद्योग लगेगा और उससे रोजगार मिलेगा। जैसे मैं लिथियम फैक्ट्री का जिक्र कर रहा था, 7,000 नौकरियां वहां पे निकल रही है। तो ये बात कहना कि साहब प्राइवेट के अंदर सरकार का क्या योगदान है, मुझे लगता है ये केवल मात्र आलोचना। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि जब इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हरियाणा पुलिस के अंदर महिलाओं के भागीदारी जो 2014 में मात्र 5% थी, हमने उसका टारगेट 15% रखा है, हमने 2014 के बाद बढ़ा के 8.5% कर दिया है, और अगर वो टारगेट हमने 15% रखा है तो स्वाभाविक है महिलाओं को वहां नौकरी मिलेगी, तभी वो 15% टारगेट पूरा होगा। तो जब ये बात बजट के अंदर कही जाती है तो मुझे लगता है कि जिक्र उसका भी करना बड़ा जरूरी होता है। इसके अलावा बहन जी एक बात कह रही थी, देखिए इस बजट के अंदर राजस्व बढ़ाने की कोई बात नहीं कही गई है। मुझे हैरानी होती है कि जब बजट पेश किया जाता है, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 38,718 करोड़ रुपए करने जा रहे हैं। पहले तो बहन जी यहाँ हरियाणा प्रदेश के पिछले बजट उठाइएगा और मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा साल था 2014 से पहले जब कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी सरकार ने इतना रखा हो। और आपकी सरकार के दौरान तो बजट ही मात्र 52,000 करोड़ का था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट इतना होने का सवाल ही नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है बहन जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आमदनी का जरिया होता है, वो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। अब दूसरी बात देखिए, इस हरियाणा प्रदेश में क्या हो रहा था 1966 से लेकर 2014 तक हम हमेशा पंजाब को बड़ा भाई बोलते थे, आज भी बोलते हैं, लेकिन वजह क्या थी? क्योंकि पंजाब की जीडीपी हरियाणा की जीडीपी के मुकाबले 1966 से लेकर 1987 तक 74% ज्यादा थी। 2014 तक पंजाब की जीडीपी हमसे ज्यादा रही, और आज स्थिति यह आयुष कि हरियाणा की जीडीपी पंजाब से 37% ज्यादा है। आज हम बड़े भाई हैं अगर आर्थिक दृष्टि से देखें। पर कैपिटा इनकम पंजाब की हमसे ज्यादा थी, लेकिन आज हमारी उनसे ज्यादा है। ये कैसे हुआ? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी? ये मनोहर सरकार का बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन था। जो पैसा लीकेज के जरिए जेबों में चला जाता था, उस पैसे की लीकेज के रोक के जनता के लिए इसको लगाना शुरू किया। ये वजह है कि हम पर कैपिटा इनकम ज्यादा रखे हुए हैं, ये वजह है कि हमारी जीडीपी ज्यादा है। अब जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि साहब देखिए कृषि क्षेत्र के अंदर जो आपने आवंटन किया इसका किसानों को, जब मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे थे उन्होंने बाकायदा जल संसाधन का जिक्र किया, जल प्रबंधन का जिक्र किया, उन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया कि इस सरकार की प्राथमिकता जो हमारे पास जल उपलब्ध है उसका प्रबंधन किस तरह से बेहतर किया जाए कि उसका लाभ हमारे प्रदेश के किसान को होगा, और उसके लिए बाकायदा 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। तो साहब ये सीधा सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों के लिए है। जब मत्स्य पालन करने वाले किसान भाइयों का जिक्र आया, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा उसके लिए पैसे आवंटन का जिक्र किया। तो मेरा केवल ये कहना है कि जब बजट पेश होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, और तो और खेलों की बात, 7,000 से ज्यादा करोड़ रुपया खेल के लिए रखा जाता है।
लेकिन प्रवीण जी दो चीजें बड़ी फोकस दिख रही थी इस बजट के अंदर, एक तो कृषि का जिक्र हुआ, दूसरा प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर या हम रोजगार का ही अगर जिक्र कर ले तो 50,000 आप देंगे। ईज ऑफ डूइंग का कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हरियाणा दूसरे से 14वें या 16वें पायदान पर अगर पहुंच जाए तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको कैसे आप लोग लाएंगे, और 50,000 का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो कैसे अचीव करेंगे आप लोग? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आयुष, मैं बल्कि भूल गया था, मैं चाहता था कुछ जिक्र करना, मैं भूल गया था। कल जब ये सवाल सामने आया था तो मेरे पास करंट जानकारी नहीं थी, मैंने उसके बाद जानकारी ली सारी की सारी। मैं ये बात मानता हूँ कल जिन साहब ने ये सवाल उठाया था उनका सवाल दुरुस्त था, लेकिन वो सवाल दुरुस्त था पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब कहने का है कि जनवरी बैकवर्ड, आज हमारी ईज ऑफ डूइंग जो है वो ग्रेड दोबारा से ऊपर आ चुका है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आयुष, मैंने कल भी कहा था इसके ऊपर लगातार काम होता रहना चाहिए, क्योंकि उद्योगों के लिए जिस तरह की आराम स्थिति या जिस तरह की सुविधाएं हरियाणा प्रदेश सरकार ने दी हैं, जैसे मैं कह रहा था कि 57 के करीब ऐसी परमिशन है जो अंडर वन रूफ मिलती है, ये हरियाणा प्रदेश में पहली बार हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि समस्याओं का निवारण पूरी तरह से हो गया, लेकिन आज स्थिति ये है कि हरियाणा प्रदेश से एक भी उद्योग प्लान नहीं करता, और ये मैं पार्लियामेंट के उसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट में रखी गई है सेशन के अंदर, जबकि दूसरे राज्यों से मैंने राजस्थान का जिक्र किया था जिसके अंदर 480 के करीब उद्योग प्लान कर गए थे, पुडुचेरी का मैंने जिक्र किया था जहां से 31 के करीब उद्योग प्लान कर गए थे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार ने जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह के हालात उद्योगों को दिए, एक स्थिति ऐसी थी कि होंडा जैसी कंपनी के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो जाते थे कि वहां पे पुलिस जाके बर्बरता कर देती थी, मारुति के अंदर पुलिस जाके बर्बरता कर देती थी, ये हुड्डा साहब की सरकार के दौरान के हुए हुए काम है। लेकिन आज स्थिति ये है कि चाहे वो सुरक्षा की बात करें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे बेहतरीन रोड की बात करें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पावर सप्लाई की रेगुलेटरी की बात करें, ये हरियाणा प्रदेश की सरकार ठीक है। चलिए आप इसमें काम कर रहे हैं। महिमा जी आयुष जी, इससे पहले कि मैं दो अहम बिंदुओं पर आऊं जो मुझे रखने हैं यहाँ पटल पर, सबसे पहले जो व्यक्ति खुद एक महिला प्रवक्ता को यहाँ बैठकर कानों में तेल डालने और उछल उछल के बोलने की बातें बोलता हो, वो किसी दूसरे प्रवक्ता को ये ना बताए कि शब्द संभाले। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं आयुष जी, पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं। चलिए वो किसी पुरानी बात का जिक्र करें, ठीक है? महिमा जी पॉइंट पर आ जाए, क्योंकि फिर आप दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे, फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। ठीक है आयुष जी हस्तक्षेप को रोके, मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग है, मैं उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है महिमा जी, मुद्दे पर आते हैं। मुझे ये बातें कही गई कानों में तेल डालने की और उछल उछल के बोलने की, तो शब्द संभालने की बात तो करें ना। अब दूसरी बात ये कि ये मुख्यमंत्री जिन्होंने आज 2.5 घंटे में ये बजट पेश किया है, अटक अटक के 4-5 बार ऐसा हुआ जीडीपी को हिंदी में बोलने के समय पर मुख्यमंत्री जी अटके। अब आप सुनिए, अब आप अपना सर का सर्टिफिकेट आपसे लेना नहीं है, सर का सर्टिफिकेट ठीक है देखिए आप महिमा जी को सुनते हैं, पत्र सामने से लेने नहीं आते हैं, ठीक है? हम यहाँ आते हैं अपनी बात रखने, जैसे दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बाकियों के समय का सम्मान करते हैं, दूसरों से वैसे ही उम्मीद करते हैं। चौखा भी था पहला साल का जो नारा दिया इन मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल कोविड के दौरान बीच में, आज इन्होंने कहा ऐसी अनप्रेसिडेंटेड परिस्थिति, पहले ऐसा विकट संकट नहीं देखा था, उसी विकट संकट के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखबारों में छपवाया था चौखा बीता पहला साल, ये भी डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं के द्वारा छपवाया गया है। जब जनता जूझ रही थी महामारी से तो वो लिख रहे थे चौखा बीता पहला साल, और उसी बीच में अगस्त में जब उन्होंने खेल विश्वविद्यालय की प्रस्तावना दी थी जो अनिल विज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको उन्हीं के केंद्र में बैठी सरकार ने किस प्रकार निरस्त कर दिया वो किसी से छुपा नहीं है। यही लिप सर्विस है इस सरकार की, ये जो आज 2.5 घंटे का बजट सामने आया है जो हर साल आ ही रहा है, ये लिप सर्विस है, इसकी अंडर यूटिलाइजेशन सभी के सामने है, सभी के सामने प्रत्यक्ष है, उसको किसी तरह को वो किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है। ये बजट हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, हम अपनी बात पर डटे हैं और डटे रहेंगे। एक साल बाद उनसे पूछेंगे कि जो लगभग 2,29,976 करोड़ का कर्ज इस राज्य के ऊपर पहले से है, जिसके माध्यम से ये देखा जा सकता है ये लगभग हर हरियाणवी लगभग 90,000 करोड़ का जो है वो कर्जदार है। तो अब आप ये देखिए कि ये लिप सर्विस करने वाला जो बजट है, ये लिप सर्विस वाली जो सरकार है,
सराहनीय शब्द हैं, सराहनीय सबमिशन हैं आयुष जी, बड़ा सराहनीय बजट है, बड़ी सराहनीय डायलॉग बाजी हुई है, इसको हम प्रत्यक्ष जब देख लेंगे तो वाकई में सरकार की सराहना करेंगे, उसमें हमें कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। और जैसा अभी पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जो है संदीप जी, वो कह रहे थे, मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करती हूँ, हमारी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि हमने इतने साल जो राज किया उससे जो अनुभव हमारे पास है, यदि सरकार हमसे सोलिसिटेशन करेगी कि आप हमें बताएं या हमें किसी प्रकार से सहयोग करें, विपक्ष है विपक्ष का धर्म निभाएंगे जैसे नेहरा जी ने कहा था, लेकिन यदि सरकार कहीं पर सहायता चाहेगी राज्य के निर्माण के लिए। लेकिन महिमा जी, प्रवीण जी ने तो बताया ना, देखिए हमारी तो उन्होंने बताया कि जीडीपी भी बढ़ी, हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो भी बढ़ गया, तो यही तो सारे पैरामीटर्स होते हैं ना एक इकोनॉमी को चेक करने के, और वो छह साल से तो अगर वो सत्ता के अंदर हैं तो फिर वो इस बात को कह सकते हैं, फिर ये कैसे हुआ है? आयुष जी, उसका रेशो रेवेन्यू जनरेशन और डेट के साथ लगा करके देखा जाएगा। हालांकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, किसी अर्थशास्त्री से इसके ऊपर टिप्पणी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैं अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करती रहती हूँ अक्सर, और आज भी चर्चा कर रही थी तो ये बात जो सामने आई कि कभी भी जो देखिए जीडीपी बढ़ी वो तो जो ये स्टैटिस्टिक्स हैं ये सामने आ जाएंगे, लेकिन देखने वाली बैकग्राउंड में बात ये है, फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, देखने वाली बात ये है कि ये जो बढ़ा है इसके साथ साथ डेट का रेशो, ऋण का रेशो कितना बढ़ा है, कर्ज का रेशो कितना बढ़ा है, हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। मैंने शुरुआत में सवाल किया था, 7 साल में युवाओं को हमने कितनी नौकरियां दी हैं, हम इस पटल पर उसका जवाब दे देना। ठीक है, कुल मिला के आंकड़ों की बात जिक्र आप कह रही हैं। अमनदीप केसरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पे? जी, मैं आयुष जी, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है, बात फिर घुमा फिरा कर वही है, भाजपा प्रवक्ता के पास ये कहने के अलावा और कुछ नहीं है कि कि कांग्रेस आलोचना नहीं कर पा रही हमारे बजट की। देखिए एक, और हमारी तुलना पंजाब जैसे राज्य से की जाती है जहां पर हमें पता है कि पंजाब तो बहुत पहले से वित्तीय संकट से जूझ रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पंजाब को कर्ज लेना पड़ता है, जबकि हमारे पास एनसीआर जैसा बड़ा क्षेत्र है, गुड़गांव जैसा आईटी हब है, हमारे पास दिल्ली के पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल है, कुंडली मानेसर गुड़गांव फरीदाबाद बहादुरगढ़, जहां से इतना ज्यादा रेवेन्यू हमारे प्रदेश को आता है, और हमारे साथ वो व्यवहार किया जाता है कि जैसे कि आप उस गरीब को देखिए, उसको तो एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आपको आधे वक्त की तो मिल रही है, तो ये हमारी तुलना है केवल इसलिए कि कांग्रेस के नेता आलोचना नहीं कर पा रहे। मैं तो ये कहूंगा ये लिप सर्विस भी नहीं है, तो प्रवीण अत्रे जी चाहते हैं कि मोहर लग जाए इस बजट पे, ये बहुत अच्छा है कि कांग्रेस आलोचना नहीं कर पा रही है, कि कांग्रेस हमारे कब्जे में है वो कह नहीं पा रही है। देखिए हंसी आती है बिल्कुल इनकी बातों से कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है पंजाब के साथ तुलना करके। अरे भाई पंजाब के पास आईटी सेक्टर हब है क्या? आप आलोचना कर दीजिए अमन जी, अपने का इनके बजट की तुलना करके आलोचना कर दीजिए, बड़ा रोल है इसके अंदर आएगा, कैसी बातें ये आप कर दीजिए ना, करते अरे पंजाब के साथ आप तुलना करेंगे? नहीं नहीं, आप अपने समय के बजट की तुलना करके आलोचना कर दीजिए भाई, बजट अच्छा हो गया। मैं तो आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप आलोचना कीजिए, बताइए तथ्य को। अरे तथ्य बता रहा हूँ ना प्रवीण अत्रे जी, पंजाब के पास गुड़गांव कहाँ है, एनसीआर क्षेत्र। अरे पंजाब की छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ आपके समय का जो बजट था, वो कह रहे हैं की जब सत्ता थी आप लोगों ने भी बजट पेश किया ना, अपने बजट से और इस बजट की तुलना करने की बात कर रहे हैं। सही बात कही, आखिरी बात कह के समाप्त करता हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा प्रवीण अत्रे जी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार प्रदेश का बजट सरप्लस कर सकती है गुड़गांव जैसे इन इन सभी क्षेत्रों को यूज करके, तो वित्तीय प्रबंधन इनके बस की बात नहीं है ना, कांग्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज था हरियाणा पे 2004 में, आज के 23,000 करोड़ का डाटा निकाल लीजिएगा, बस की बात वाला फिगर मत बोलिए, प्रदेश में होने के बावजूद आपके बस की कोई 23,000 करोड़ का कर्ज 2004 के हाथ में पिस्तौल आ गई है और जनता को ये भुगतना। चलिए यहाँ भी इकोनॉमिक्स लगेगी ना, प्रोपोर्शनली वो बढ़ता चला गया है। ठीक है अमित नेहरा जी, अमित नेहरा जी एक रिएक्शन और आपका। आई है नए जो संयंत्र लगे हैं, मैं फिर अपनी उस बात पे कायम हूँ, भाई नई एक्विजिशन का बताएं कि कहाँ पे एक्विजिशन की है इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खरकोदा में मारुति जा रही है, ये तो बड़ा सुनते आ रहे हैं, ये 2 साल पहले ये हुआ था कि रोजका मेव भी जा रही है और खरकोदा में अब मारुति की छोड़िए एप्पल भी आ रही थी, ये चीजें नहीं है। आप पहले HSIDC जो नोडल एजेंसी है हरियाणा आधारभूत जो जी जो आधारभूत जो सुविधाएं होती है उसके लिए जो नोडल एजेंसी है HSIDC,
वो खुद अपनी सर्वाइव की लड़ाई लड़ रही है, इतना उसके ऊपर घाटा आया हुआ है, तो वो करें ठीक, उसके लिए योजना लेके आए। तो देखिए बात वो नहीं है, अब बात आती है, सबसे बड़ी बात ये, अगर इस पे चर्चा करें, एक अच्छी बात जो इस बजट की है जिसपे ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए और करना भी चाहिए, वो ये है जो बिना रिवाइज के बजट का जो प्रोविजन करना, भाई अभी तक होता ये था कि पहले क्या होता था कि नई योजना, कोई बड़ी जरूरी योजना अगर लागू करनी है किसी विभाग ने, तो उसके लिए ये कह दिया जाता था कि इसके लिए बजट एलोकेटेड नहीं है, हम इसके लिए फाइल भेजेंगे, फिर बजट एलोकेशन होगा, फिर देखेंगे। उसके कारण क्या होता था कि छूट नहीं थी कोई अच्छी चीज शुरू करने के लिए। जो 8500 करोड़ का है ये बजट, ये एक अच्छा एक प्रोविजन है। और खास बात ये है, मैं तो एक अंतिम जो उससे ये करूंगा इसको समाप्त अपनी बात को जी जी, कि अभी तक क्या होता है भाई, जो एलोकेट हो जाता है बजट, भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए है ना, और इंडस्ट्रीज के लिए 1000 करोड़ रुपए, होता क्या है कि उसके लिए फाइल बनती है भाई हम क्या करेंगे, वो फाइल बनते 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 अक्टूबर नवंबर आ जाता है जब तक उसकी मंजूरी मिलती है, उसके बाद क्या होता है 31 मार्च की डेट होती है, तब तक उसको टारगेट पूरा करना होता है, आप तब तक बजट लगा दीजिए, ये सारा पैसा खर्च कर लीजिए। जब तक वो ग्राउंड पे आती है तो फरवरी तक आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फटाफट कहते हैं भाई पैसा खर्च करो पैसा खर्च करो, नहीं तो लैप्स हो जाएगा, वो अगले साल पे चला जाएगा, यानी अनयूज्ड हो जाएगा ये चीजें। तो ये जब तक इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह बजट पेश करने का कोई फायदा है प्रदेश के लिए। भाई आप जो योजना है उसको चालू रखिए, ठीक है ना, लैप्स होने के कारण क्या होता है कि वो आपाधापी में और तपरा तपरी में वो अच्छी तरह प्रयोग नहीं हो पाता बजट। तो इस तरह की अगर योजना बने आगे अगले बजट में कोई इस तरह का ध्यान में रख के सरकार जो भी आए तो अच्छी बात होगी। जी आयुष, संदीप जी फाइनल रिएक्शन में आपका भी चाहूंगा, पॉजिटिव है ज्यादा कि नेगेटिव? आईसी नेगेटिव पॉजिटिव की चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले तो हमें बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो स्पोर्ट्स से आते हैं, इसी तरीके से हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ लाइन का होना चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए, इसी तरीके से जब आपका बजट आता है तो बंदा वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट होना चाहिए, सब चीजें जमती हैं। और अभी हम बात कर रहे थे जैसे एजुकेशन की, शिक्षा की, चिकित्सा की, कई चीजों पे हम बात कर रहे थे, लेकिन आपने बाद में जो ब्रीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी उनको सुना, उन्होंने चीजें बताने की कोशिश की और साथ में ये भी कहा, उनको डर था कि मैं बताने में गलती कर सकता हूँ क्योंकि मैं वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट नहीं, उन्होंने कहा भाई सेक्रेटरी साहब आपको समझा देंगे। तो जो प्रदेश का मुखिया है जो बजट पेश कर रहा है उसको ही सारी चीजें क्लियर नहीं है, इस तरीके की चीजें, ये मैं बड़ी मिस्टेक मानता हूं। जब आप कोई बजट पेश कर रहे हो तो छोटी से छोटी चीज का भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। चलिए संदीप जी, आप किसी बात के साथ ही चर्चा में यही समाप्त करूंगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मनोहर सरकार ने अपना बजट तो पेश कर दिया, सभी का ख्याल रखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई है, यह सत्ता पक्ष कह रहा है, लेकिन इसका फायदा जनता को मिलता कैसे है, ये एक बड़ा सवाल बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।